पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत के लिए हर्ष और उल्लास की बात है कि आगामी कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी 2017 को हम 68वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत करके भारत को एक संविधान बना करके दिया, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है। पूरे नियम अनुसार आज हमें 68 वर्ष हो गए, उस संविधान के ऊपर पूरा देश आधारित है और वो हमारे देश के लिए एक मार्गदर्शक है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, उम्मीद करता हूं कि कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्र पर्व है, और यूं कहना चाहिए मुझे भारत में दो ही पर्व सर्वश्रेष्ठ हैं जिनमें हमारे देश को संगठित किया जाता है। 26 जनवरी जो कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, हम समस्त हिंदुस्तानी हमारे तिरंगे को, भारत माता को और जिन जवानों ने हमें आजाद करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उन लोगों का जाकर के आप श्रद्धांजलि दें, हमारे झंडे को, हमारे राष्ट्रगान को सम्मान दें और यही परंपरा आने वाली पीढ़ी को हमेशा देते रहे। दोस्तों, वो जो सैनिक, वो जो जवान, जो फोर्स, जो 365 दिन आपकी सुरक्षा में खड़ी रहती है, आपकी सुरक्षा में वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उन सैनिकों को भी मैं नमन करता हूं। और जो अमर जवान शहीद है, 26 जनवरी दिन जाकर के आप सभी लोगों को श्रद्धांजलि दें, उनकी पवित्र आत्मा को याद किया जाए, महान लोगों को याद किया जाए जिसकी वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जिन्होंने इस देश को एक मार्गदर्शन दिया, ब्रिटिश सरकार से हमें आजाद कराया। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको एक बार पुनः पूर्व आने वाली गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।